फाइनली मैं जा रहा हूँ घर अपने दिल्ली इंडिया, और भाई छोड़ रहे हैं मुझे राघव। और मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, तो सबके रिएक्शन देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, स्पेशली पापा और मम्मी के। तो मैं लास्ट ईयर आया था सितंबर इंटेक पे, ईयर 2022, 9 मंथ समथिंग हो चुके हैं, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अब जाने के लिए। इतनी आपकी फ्लाइट है मेरी अबू धाबी में, ले ओवर। तो फ्लाइट के अंदर जाते हुए दिखाते क्या सीन चल रहा है, बोर्डिंग होने वाली। तो ये रही मेरी सीट। सब मैं अबू धाबी पहुंच गया हूं, और अराउंड 3 घंटे का लेओवर है, सिक्योरिटी चेक हो गया है, और दूसरी बोर्डिंग के लिए जा रहा हूं, वो भी दोबारा एहतियात की है। तो फिर से 9H सीट है, इसका मतलब है कि यही कहीं होगी, फिर से सेम वही सीट है एग्जैक्टली सेम। फाइनली आ गया दिल्ली में, और स्मेल अलग से ही आ रही है, पता चल रहा है कि यार आ गया हूँ। और यार फ्लाइट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, खाना पीना सब कुछ बहुत मस्त था, आराम से लेट के पसर के आया हूँ, सब कुछ अच्छा था, लेकिन मेन चीज़ तो अब होनी है। तो यार मम्मी को सरप्राइज़ करना, तो मैं खुद ही सरप्राइज़ हो गया यहाँ पे। मम्मी कही हुई है मैं वेट कर रहा हूँ, जब आएंगी तब दूंगा सरप्राइज़। मम्मी का हो गया है सरप्राइज, और पापा के पास जा रहा हूँ ऑफिस, तो वहाँ जाके सरप्राइज देना, देखते क्या रिएक्शन आता है। कैसे अंकल? सर बढ़िया। और कैसे आए? मिलने आए थे अंकल आपसे। अच्छा, क्या हो गया? कुछ नहीं, ऐसे आए थे अंकल। अच्छा, बोलो। कुछ नहीं, पीछे मिलने आते हैं आपसे, मिलने आए थे आपसे। अच्छा। तो यार मैं घर आ ही गया, सरप्राइज देखे बहुत मज़ा आया, सबके रिएक्शन देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बाकी कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में।